फिल्मी स्टाइल में चोरों ने दिया चोरी को अंजाम। सोनभद्र जिले के सुकुत्र चौकी अंतर्गत मधुपुर बाजार में लवकोश ज्वेलर्स की दुकान में फिल्मी स्टाइल में हुई चोरी। सोनभद्र जिले के सुकुत्र चौकी अंतर्गत मधुपुर मेन मार्केट में एक आभूषण की दुकान पे कस्टमर बन के आए कुछ लुटेरे और इन्होंने किया इनके माल पे इनके सामान पे हाथ साफ। आइए जानते हैं इन दुकानदार से कि क्या हुआ था इनके साथ। ये दुकान आप क्या दिया, ये दुकान कब से चला रहे हैं आप यहाँ पे? 20 साल से दुकान यहाँ पे चल रही है। और जैसा कि अभी अभी हम लोगों को पता चला है कि आपके यहाँ चोरी की घटना हुई है, क्या हुआ था उस बारे में कुछ बताएं। उस समय लगभग 11 बजे रहा था जी, और एक आदमी आया था और उसको सामान मांग रहा था, और इसके बाद वो रॉकेट मांगा, फिर झाला मांगा और चैन मांगा। तो फिर उसके बाद हमने देखा दिखाने लगा, दिखाने के बाद एक सामान को एक पैकेट में तो चैन था और वो लेकर निकल गया। उस चैन की कीमत कितनी रही है? ये तो नहीं बोल रहा। आपकी दुकान है सर, आपकी दुकान पे आपके चैन की कीमत? वजह तो लगभग अंदाज बताइए सर। वही लगभग तीन चार ग्राम सोने के चैन की कीमत कितनी होती है? 13,000। चलिए, क्या इस तरह की घटना इससे पहले भी कभी हुई है आपके यहाँ इस दुकान पे, इस मार्केट में? आपको पास जानकारी है? नहीं, ऐसी घटना तो यहाँ पे नहीं हुई हमारे यहाँ, तो अब यहाँ पर हुई है इस मार्केट में, उस जगह पे हुई है। कितनी घटनाएं हुई है कुछ ये तो नहीं बताया। उस चोरी के समय या उसके बाद कोई CCTV फुटेज यहाँ पे आज आजू बाजू किसी के यहाँ आपको मिला, आपको दिखा ऐसा जिसपे आपको संदेह हो? हाँ मिला, CCTV कैमरा का फुटेज मिला है। फुटेज कहाँ है जरा से दिखाइएगा। इन दुकानदार भाई के पास एक CCTV कैमरे का फुटेज है, अपने मोबाइल में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, हम दिखाते हैं। एक ये है CCTV कैमरे की फुटेज जिसपे चोर बाइक से भागता हुआ देखा जा रहा है। यही चोर है, इनके अनुसार यही चोर है। क्या आपने FIR कराई थी सुकरी चौकी पे? FIR किया की कोतवाली में? सुकरी चौकी पे पुलिस छानबीन करने के लिए आई थी आपके पास? आई थी। आज तक कोई रिपोर्ट बताई आपको? अभी तो नहीं। कोई इनको रिस्पांस नहीं मिला। ये घटना कितने दिन पहले किया? चार तारीख। तीन दिन नहीं, आज तीसरा दिन है। इनका कहना है कि इन्होंने चौकी पे FIR किया हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन मौन बना हुआ है, जबकि जरूरत है यहाँ पे जांच करने की, ताकि इस तरह की घटनाएं इस बाजार में और न घटने पाए।